माँ कितने माँ हूँ लेने जा रही हूँ हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो ये थोड़ी सी गाजर रखी हुई थी तो मैं सोचा चलो इनसे हलवा बना लेते हैं। तो अभी हम छील लेते हैं इनको और छीलेंगे फिर कस के बनाएंगे हलवा। तो अभी सर्दियां हो चुकी हैं और हलवा बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में गाजर का। और सर्दियों में आती हैं वाली गाजर, गर्मियों में नहीं आती हैं। और इनका ये अच्छा लगता है हलवा। और अभी हमारी गाजर छिल चुकी हैं, अभी इनको फटाफट से कस लेते हैं। और हम बारीक वाले में से निकाल रहे हैं इसको, मोटे वाले में से फिर मोटे मोटे निकलेंगे, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, अच्छे से पकेगा भी नहीं। और वह हम कढ़ाई में बनाएंगे। और अभी कस लेते हैं फटाफट से इनको। और यहाँ पर हमारी गाजर कस चुकी है और हमने रख दी यहाँ पर कढ़ाई। और अभी इसमें डालेंगे एक चम्मच घी, देसी घी। इसको मेल्ट होने पर हम इसमें अपनी किसी भी गाजर डाल देंगे। सर्दियों में घी इतना जम जाता है कि बड़ी मुश्किल से ही उतरता है चम्मच से भी। और अभी इसको कर लेते हैं मेल्ट और फिर हम इसमें अपनी गाजर डाल देंगे। और अभी इसमें हमने डाली गाजर और घी, साथ ही साथ मेल्ट हो जाएगा, गर्म होता रहेगा। और अभी इनको हम पका लेते हैं घी में थोड़ी देर। घी में पकाएंगे, पहले हम इनका थोड़ा पानी जल जाएगा, फिर हम इसमें दूध डालेंगे। अभी हमारी गाजर पक चुकी है तो अभी इसमें डाल देते हैं दूध। तो अम्मी ने दूध डाल दिया है और अभी हम इसे दूध में पका लेते हैं और इसका सारा दूध जला देते हैं, इसमें सारा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और फिर इसमें हम चीनी डालेंगे बाद में, जब दूध सारा सूख जाएगा हमारा, पक जाएगा। और अभी हमारी गाजर पक चुकी हैं और अभी इसमें डाल देते हैं 1.5 कटोरी चीनी और इसे पका लेते हैं। मेल्ट होगी तो ये भी चीनी भी पानी छोड़ेगी। अभी हम इसका पानी जला लेते हैं, इसको मिक्स करके अच्छे से, और फिर हम इसके पानी को जलाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है चीनी भी, बिल्कुल पतला सा हो जाता है। और जैसे जैसे पकाएंगे मेल्ट होगी तो पानी छोड़ती जाएगी। तो बस अभी इसको चीनी को भी पका लेते हैं हम अच्छे से इसमें।
और अभी इसमें हम डाल लेते हैं साथ ही ड्राई फ्रूट, ये काजू और बादाम रखे हुए थे मैंने, भी वही डाले हैं। और आप जो चाहें वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जिसके पास जैसे हो वैसे डाल सकते हैं। हम मेरे पास ये थे तो मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। और अभी पका देते हैं इसको साथ में। और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, सर्दियों में टेस्टी लगता है मीठा मीठा गाजर का हलवा। अभी हम इसे पका लेते हैं अच्छे से। और अब इसमें हम खोआ भी डालेंगे जब पानी जल जाएगा इसका। और देखिए इधर हमारा पानी बिल्कुल जल चुका है, जो चीनी का पानी था भी इसमें खोआ डाल देते हैं। इसको हाथों से फोड़ के डालेंगे थोड़ा सा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। फ्रिज में था तो थोड़ा सा टाइट हो चुका है ये, तो जैसे पकता जाएगा इसमें अच्छे से मिक्स होता जाएगा। अभी इसको इसमें मिला देते हैं। और हमारा अच्छा सा गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा एकदम हलवा स्टाइल में, और बहुत ही टेस्टी लगता है, सर्दियों में मज़ा आ जाता है खा के। सोच सोच के चलते हैं का करें। जहाँ पर एक रेसिपी बढ़नी थी उड़ा तीन बढ़ा दी। अरे बस नहीं गई तन्नो की। मैं देखूं क्या की मैं कहीं खा ले अच्छा वो था के दूसरा अच्छी ना लागती इनकी। और हमारा हलवा बनकर देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। Gracias.